नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहां दोस्तों प्रयागराज में रिंग रोड का डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, इस पर काम शुरू होने वाला है। यहां पर दोस्तों भूमि अधिग्रहण के लिए दोस्तों 11 करोड़ रुपीस का खर्च सरकार करेगी और इसके तहत 137 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किसानों से किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट की भी जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका फेस वन चल रहा है, जो कि करछना तहसील के 21 गांव में बनाया जाएगा। ओवरऑल यहां पर 137 हेक्टेयर भूमि किसानों से ली जाएगी, वहीं 50 के करीब हेक्टेयर भूमि गवर्नमेंट से ली जाएगी। फेस वन के तहत करीब 3000 करोड़ रुपीस का खर्च अनुमानित किया गया है। अगर हम टोटल इस रिंग रोड की कॉस्ट की बात करें तो ये 7000 करोड़ होने वाली है। अभी दोस्तों अगर हम इसके लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो रिंग रोड के लिए 76% भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो गया है। फेस वन के तहत यहाँ पर टोटल 160 करोड़ 35 लाख रुपीस का अलॉटमेंट कर दिया गया है किसानों को। कई सारी किस्तों में ये मुआवजा उन्हें दे दिया गया है। जल्दी दोस्तों यहाँ पर 100% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, देन यहाँ पर फेस वन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों रिंग रोड का डेवलपमेंट एक सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जो बाहर से आने वाला ट्रैफिक होता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, शहर के बीच में उसे आने नहीं देते हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा जहाँ पर रिंग रोड का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज लगती हैं, जो कि इकोनॉमी में ओवरऑल हेल्प करती हैं। क्योंकि जो रिंग रोड का एरिया होता है ये रूरल एरियाज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, तो इसलिए रूरल एरियाज़ से सप्लाई भी काफ़ी ईजी हो जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों या फिर मिल्क, डेयरी, ये सब हो। तो इससे क्या होता है कि लोकल जो फार्मर्स होते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इस लिहाज से दोस्तों ये रिंग रोड काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्रयागराज के लिए। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहां दोस्तों NCR बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर CRC ग्रुप डेवलप करने जा रहा है 3 प्रोजेक्ट्स नोएडा के अंदर। ये ITs इंटीग्रेटेड प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जो कि अलोंग दी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेटअप किया जाएगा। यहां पर करीब 750 से 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट CRC ग्रुप करने जा रहा है। इसके साथ यहां पर दोस्तों 3 प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। इसमें एक IT प्रोजेक्ट है और 2 लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। करीब 11 एकर्स के अंदर इनको सेटअप किया जाएगा 24 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। यहाँ पर 12 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस होगा। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको 2024 के अंदर स्टार्ट करने की बात की गई है, वहीं डेडलाइन अप्रैल 2027 रखी गई है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों UP PWD ने अनाउंस किया है UP PWD स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन, इसके लिए रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का डेवलपमेंट जल्दी शुरू होगा। इसके डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी टेंडर इशू कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत EPC बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अगर हम प्रपोजल की बात करें तो करीब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 44 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पर करीब 283,710 स्क्वायर फीट में डेवलपमेंट किया जाएगा विद द 525 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका डेवलपमेंट 2024 के अंदर शुरू हो जाएगा, वही 2025 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसी डेडलाइन यहाँ पर तय की गई है। यहाँ पर मैक्सिमम 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बंगलो, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर, व्हीकल पार्किंग एरिया, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, मार्केट, फायरिंग रेंज, परेड ग्राउंड, सब स्टेशन समेत ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स का यहाँ पर डेवलपमेंट शामिल है, जिसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश में EV प्रोजेक्ट से है, जहाँ दोस्तों यूपी स्टेट गवर्नमेंट ईवी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही है। पिछले कुछ महीनों में ईवी संबंधित परियोजनाओं पर सरकार ने बहुत सारे फैसले दिए हैं और सेटअप करने की बात की है। यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट करीब 2000 के करीब चार्जिंग स्टेशन यूपी के अंदर सेटअप करने जा रही है। ये चार्जिंग स्टेशन एक्सप्रेसवे के बगल सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा शहरों के अंदर भी इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉइंट की सुविधा होगी। यूपी गवर्नमेंट ने UPEIDA को ये काम दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों UPEIDA PPP मॉडल के तहत इनको सेटअप करेगी। यहाँ पर ठेका प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। करीब 10 ईयर्स के लिए लैंड लीज पर दिया जाएगा। UPEIDA ने 20 अक्टूबर से टेंडर भी ओपन कर दिए हैं, जिसकी डेडलाइन 28 नवंबर तक रहेगी। यहाँ पर प्रस्ताव मांगे जाएंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों करीब 5 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स चुने जाएंगे उनको UPEIDA लैंड और 100% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो कि इसके डेवलपमेंट में मदद आएगा। यहाँ पर दोस्तों UPEIDA और UP पावर कॉरपोरेशन मिलकर इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर दोस्तों इसको प्रमोट करेंगे। इसके तहत आगरा, लखनऊ, प्रयागराज में 1300 चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। वहीं राम मंदिर, ताजमहल, जो कि हेरिटेज एरिया है, यहाँ पर 100 चार्जिंग स्टेशन, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी में, अयोध्या में 200
चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में 400 चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक भारत के अंदर करीब 10.2 लाख करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं और इसके लिए हर सिटी के अंदर 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन और हाईवे पर 25 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना बहुत ज़रूरी है देश के अंदर और राज्य के अंदर भी। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहाँ दोस्तों अयोध्या के अंदर गेस्ट हाउस डेवलपमेंट के लिए कई सारे राज्यों ने लैंड मांगा है। यहाँ पर दोस्तों जो लैंड दिया जाएगा वहाँ पर वही स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। नेपाल, श्रीलंका और साउथ कोरिया ने भी लैंड के प्रपोजल मांगे थे। करीब 5 एकड़ लैंड के प्रपोजल इन देशों ने मांगे थे। इसके अलावा यूपी हाउसिंग बोर्ड ने करीब 6,000 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल गुजरात गवर्नमेंट को रिसेंटली एलोकेट किया था। दोस्तों, ये जो गेस्ट हाउस का डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पर लैंड स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करेगी। इसके बाद इस लैंड पर वो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप का डेवलपमेंट अयोध्या के अंदर होने जा रहा है, जो कि एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप होगी और वो 1407 एकड़ में फैली होगी। इसको फेस वाइज डेवलप किया जा रहा है और ये टाउनशिप 1800 एकड़ तक एक्सपांडेबल होगी। इस टाउनशिप के लिए मांझा तिरुआ, मांझा बरहटा, सहनवाजपुर, यहाँ पर लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ने लैंड के लिए प्रपोजल भेजे हैं। इसके अलावा अयोध्या के अंदर 100 मठों और आश्रमों ने भूमि के लिए अप्लाई किया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लैंड के प्रपोजल मांगे गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ताकि वो अयोध्या के अंदर अपने मठ या फिर गेस्ट हाउस सेटअप कर पाए। नेक्स्ट अपडेट झांसी से है, जहाँ दोस्तों झांसी में करीब 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जल्दी शुरू होने वाले हैं। इनको फाइनेंशियल अप्रूवल के बाद यहाँ पर इनका डेवलपमेंट वर्क शुरू हो सकता है। जल्दी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और फरवरी के अंदर इसके लिए अधिसूचना भी जारी होने वाली है। तब तक यहाँ पर ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर 30 करोड़ की राशि से एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग का डेवलपमेंट प्रपोज किया गया है, जिसका डिजाइन तैयार हो गया है। यहाँ पर दिसंबर के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो कि ITI के करीब बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर का भी डेवलपमेंट प्रपोज किया गया है, जो कि JDA ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं 1.10 करोड़ की लागत से एक सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, ये जो सड़क है ये आयकर तिराहे से स्टेशन रोड तक है। वहीं परीक्षा चिरगांव, यहाँ पर एक हवाई अड्डा का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। हालांकि ये काफ़ी पुराना प्रस्ताव है, लेकिन बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट जल्दी होगा। इसके अलावा केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको भी स्टार्ट किया जा सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर, स्पेस म्यूजियम, मल्टी लेवल पार्किंग, 500 बेड का हॉस्पिटल, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका लोकार्पण जल्दी होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीक के नेशनल अपडेट्स, जहां दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है एक प्रोजेक्ट से, जहां यूनियन कैबिनेट ने जामरानी धाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए 90% फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,584.10 करोड़ है, जबकि इसमें 1,557.18 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मार्च 2028 तक इसको पूरा करने का प्लान बनाया गया है। इससे करीब 57,000 हेक्टेयर लैंड एरिया पर रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसमें उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली डिस्ट्रिक्ट शामिल है जिनको फायदा होगा। यहाँ पर करीब 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर ड्रिंकिंग वाटर हल्द्वानी के लोगों को मिलेगा, जिसे करीब 10 लाख की पॉपुलेशन को फायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक 14 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट भी सेटअप किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, जिसमें 2 फीडर कैनाल और जो ओल्ड 207 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है इसका रिनोवेशन होगा। नीति आयोग से है, जहाँ दोस्तों गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग एक स्टडी इनिशिएट कर चुकी है, जिसका एम चाइनीज इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट के गैप को रिड्यूस करना है। करीब दोस्तों यहाँ पर 12 ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके सहारे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। दोस्तों, चाइना के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्राइसिस की सिचुएशन में इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के अलावा चाइनीज डिपेंडेंसी को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नीति आयोग की स्टडी में ग्लोबल ट्रेड फ्लोस को एग्जामिन किया जाएगा और इंडिया अपने इंपोर्ट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है अदर अल्टरनेटिव या अदर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, इस पर रिसर्च होगी। नीति आयोग ने ऑलरेडी कंसल्टेंट्स के लिए बिड भी ओपन कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेड गैप और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ये कंसल्टेंसी बिड निकाली गई है। इसके सबमिशन की लास्ट डेट 7 नवंबर 2023 होने वाली है। दोस्तों, ये स्टडी
हमारी अपकमिंग स्ट्रेटजीज और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा और मदद करेगा। इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट हर वर्ष बढ़ रहा है, जिसमें भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हर वर्ष ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जहाँ फाइनेंशियल ईयर 19 में 53.5 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 83 बिलियन डॉलर्स पहुँच गया। इंडिया के अंदर ज़्यादातर चाइना से कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट होता है और सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट होता है। दोस्तों, ये स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी परखेगी कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट क्या है, जिस कारण हमारी इंडस्ट्री जो है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रही है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से है, जहाँ दोस्तों भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 1.153 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हुआ है एज पर आरबीआई लेटेस्ट डेटा। अभी दोस्तों ये 585 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गया है। या दोस्तों प्रीवियस वीक में करीब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 2.166 बिलियन डॉलर्स ड्रॉप हुआ था और यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो 584.742 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया था। दोस्तों, भारत का फॉरेक्स रिजर्व अक्टूबर 2021 के अंदर 645 बिलियन डॉलर्स के साथ ऑल टाइम हाई था। नेक्स्ट अपडेट हाईवे के डेवलपमेंट से है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने कहा है कि NHAI DPR बनाने की चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका कारण ये है कि जो कंपनीज जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है DPR बनाने का, वो एडवांस टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन नहीं करती हैं और इस कारण प्रॉपर DPR नहीं बनता है। यहाँ प्रॉपर का मतलब है एक परफेक्ट DPR जो कि फ्यूचर की सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाया जाए, जो कि काफ़ी सस्टेनेबल हो। ऐसा दोस्तों DPR नहीं बन पा रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा है। इनका कहना है कि जो कंपनीज है ये न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्बेरस नहीं करती हैं, इसलिए जो DPR बनता है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का होता है। प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण ये समस्याएं भी खड़ी करता है और प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, जो स्टील और सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है। ये कोऑर्डिनेशन करके प्राइसेस बढ़ा देती हैं जब इनका मन करता है। इस कारण NHAI को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एज वी नो, इंडिया के अंदर कई हज़ार किलोमीटर का जो हाईवे नेटवर्क है ये एक्सपांड हो रहा है, इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है और इसके लिए दोस्तों सीमेंट और सरिये की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और चूँकि ये कॉस्ट बढ़ा देते हैं, इस कारण दोस्तों क्या होता है कि कॉस्ट धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे NHAI को काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है देश के अंदर, जो कंपनियाँ मोनोपोली बना चुकी हैं और यहाँ पर ये कभी भी ये प्राइसेस बढ़ा देती हैं, जिससे NHAI को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट राइस स्टोरिंग से है, जहाँ दोस्तों भारत के अंदर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसके स्टोरेज की समस्या बनी रहती है और स्टोरेज की समस्या के कारण कई लाख टन जो चावल है ये बर्बाद हो जाते हैं। न केवल चावल बर्बाद हो जाते हैं, लगभग सभी प्रकार के अनाज भारत के अंदर स्टोरेज ना होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये डेली कंज्यूम भी किए जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर दोस्तों अंडर PP मॉडल और DBFOT मॉडल, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मॉडल, इसके तहत करीब 25,000 टन ऑफ राइस की स्टोर्ड कैपेसिटी वाला एक अंडरग्राउंड सिलोस डेवलप करने जा रही है नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये जो सिलोस है इसको बक्सर और कैमूर बिहार के अंदर सेटअप किया जाएगा। दोस्तों ये स्टील के सिलोस होने वाले हैं जिनको, जो कि अंडरग्राउंड रहेंगे। यहाँ पर 15 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। देश में करीब 196 लोकेशंस में स्टील सिलोस बनाए जा रहे हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू, उत्तराखंड, केरला शामिल है। इसमें अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स और KCC इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जो स्टील सिलोस के प्रोजेक्ट्स देश के अंदर सेटअप कर रही हैं। इनको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। दोस्तों इंडिया के अंदर करीब 3 मिलियन टन की कैपेसिटी वाले वीट सिलोस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये नवंबर तक पूरा हो जाएगा। 1 मिलियन टन सिलोस की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपीज का खर्च आता है, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।